प्लीज ये आवाज पहुंचेगी, बात आवाज पहुंचेगी, बात मित्रों आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले तेलंगाना की महान जनता को गणेश उत्सव की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से मेरा प्रेस अभी जो तेलंगाना पर कसमय इलेक्शन थोपा गया है वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के बारे में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया विचार देश के सामने रखा है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक नया विचार रखा है, वन नेशन वन इलेक्शन। चंद्रशेखर राव जी ने भी कुछ समय पहले शुरू शुरू में विचार का समर्थन किया था कि देश में कम से कम विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। परंतु मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए ऐसी मांग करने वाली पार्टी अचानक ही अपना स्टैंड बदलकर एक छोटे से राज्य को दो चुनावों के खर्चे सहन करने पर विवश किया है। जब 9 महीने बाद शेड्यूल इलेक्शन थे, 9 महीने बाद यहां विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ में हो सकते थे, तो मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं सत्तारूढ़ पार्टी को और यहां के मुख्यमंत्री जी को कि आपने तेलंगाना की जनता पर इतना खर्चा अलग से क्यों थोपा है, क्या कारण है 9 महीने चुनाव पहले करने का। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए करोड़ों रुपयों का खर्च तेलंगाना की जनता पर थोपने का काम टीआरएस ने किया है, श्रीमान चंद्रशेखर राव जी ने किया है। और जब ये चुनाव उन्होंने थोप ही दिए तो मैं घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट को मजबूती के साथ हमारे साथियों के साथ लड़ेंगे। और हम एक तेलंगाना में मजबूत और निर्णायक शक्ति बनकर उभरेंगे। विगत 4.5 साल के अंदर 2014 से लेकर 2018 की यहां तक की यात्रा में हमने तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया है, हमारा जनसंपर्क बढ़ाया है, हमारा जनाधार बढ़ाया है। और जिस प्रकार से सरकार 4.5 साल चली है, मुझे लगता है इसको फिर से जनादेश मिलने की संभावना जरा भी नहीं है। तेलंगाना के अंदर तेलुगु अस्मिता और तेलुगु गौरव की बात करने वाले लोगों ने 17 सितंबर हैदराबाद विमोचन दिन का उत्सव बंद कर दिया। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों बंद किए? सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के दबाव में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और ओबीसी के कहने पर उत्सव बंद किया गया। और तेलुगु अस्मिता पर इससे बड़ा कोई आघात हो नहीं सकता। आज भी क्या हम तेलंगाना को आज के रजाकारों के हाथ में सौंपना चाहते हैं? ये तेलंगाना की जनता ने तय करना है। गैर संवैधानिक रूप से 12% माइनॉरिटी आरक्षण का प्रस्ताव कर भारत सरकार को भेजना ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है क्या?
जबकि हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को, रिलीजियस आरक्षण को कहीं मान्यता नहीं देता है। उनको भी मालूम है ये आरक्षण हो नहीं सकता, उनको भी मालूम है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्म आधारित आरक्षण को मान्यता नहीं देगी। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने ये आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में अगर फिर से यही सरकार आती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी लोगों ने भी मिलकर एक गठबंधन बनाया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कैसे तेलुगु जनता के वोट पर अपना अधिकार जताती है मैं समझ नहीं सकता। आज भी 1983 में मुख्यमंत्री अंजैया जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार तेलुगु जनता को याद है। आज भी नरसिम्हा राव जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार तेलुगु जनता को याद है। और अभी जब अटल जी का निधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने और देश की जनता ने जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया, उससे नरसिम्हा राव की याद और ताजा हो गई है कि किस प्रकार से नरसिम्हा राव जी को उनके मृत्यु के बाद भी सम्मान देने में कांग्रेस ने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अटल जी के समय में भी 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, कहीं रक्तपात नहीं हुआ, कहीं दो राज्यों के बीच में वैमनस्य नहीं हुआ। हमने तरीके से तीनों राज्यों का विभाजन किया। उस वक्त भी अलग अलग सरकारें थी, ऐसा नहीं थी कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, परंतु तीनों राज्यों के विभाजन के बाद आज उनका मूल राज्य और नए बने राज्य के बीच के रिश्ते भी अच्छे हैं, कोई वैमनस्य भी नहीं है और तीनों राज्य प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में परिवारवाद की धूर विरोध करने वाली पार्टी। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की मूल कल्पना पर परिवारवाद आघात करता है। लोकतंत्र की मूल कल्पना को परिवारवाद निर्बल करता है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये इलेक्शन, ये चुनाव जल्दी 9 महीने जल्दी जनता पर थोपा गया है। मैं मानता हूं कि तेलंगाना की जनता इसको अच्छे तरीके से जानती है। मुझे ठीक याद है 2014 में टीआरएस पार्टी ने एक दलित मुख्यमंत्री का वादा किया था, शायद वो भूल गए हो, मगर तेलंगाना के दलित नहीं भूले हैं। चलो, गलती हो गई, देर हो गई। 2018 में क्या दलित मुख्यमंत्री देंगे? 14 में नहीं दिया आपने, आपका वादा तोड़ा, 18 में क्या देंगे आप? इस चीज की स्पष्टता करनी चाहिए। अंधश्रद्धा के कारण 4.5 साल तक सचिवालय में न जाना 21वीं सदी के तेलंगाना को मैं नहीं मानता आगे बढ़ाने का प्रयास इससे हो सकता है। तेलंगाना आंदोलन के शहीदों को, उनके शोकग्रस्त परिवारों को नौकरियां देने का वादा भी आधा अधूरा पड़ा है। मैं तो सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अभी भी आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो, क्या कुछ कर सकते हैं आप?
सरकारों की भर्तियों के लिए, शिक्षकों की भर्तियों के लिए, सरकारी स्कूल में जो वादे किए गए थे कहीं दूर दूर तक उसकी पालना नहीं हुई है, प्रोफेसरों की भर्ती भी रुकी पड़ी है, इसके लिए आप क्या जवाब देते हैं? एक भी नई सिंचाई परियोजना 4.5 साल में नहीं हुई। जो लेगेसी में मिला है उसी को भुनाना मुझे लगता है ये आदत हो चुकी है। हमने कल्लेश्वरम परियोजना को पूरी मंजूरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक और वादा था, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और गांधी अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का, वो वादा भी आज का ज्यों का त्यों है। नए घोषणा पत्र में वादा रहेगा या नहीं रहेगा इसकी भी स्पष्टता करनी चाहिए। हर जिला मुख्यालय पर 100 बिस्तर का बेड्स का अस्पताल बनाने का भी और मंडल मुख्यालय पर 30 बेड का अस्पताल बनाने का वादा किया था, वो जस का तस है। मित्रों, पिछले 4 सालों के दौरान लगभग सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते क्योंकि सरकार आंकड़े ठीक से देती नहीं है, मगर एक अंदाज जो आया है 4,200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसका जवाब कौन देगा? तेलंगाना के जवान इसका जवाब मांगते हैं। गरीब लोगों के लिए 2,00,000 डबल बेडरूम के घर बनाने का वादा किया गया था। कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना का भी ठीक से इंप्लीमेंटेशन कर लेते तो कुछ तो 2 बेडरूम का नहीं मगर एक घर तो मिल जाता। कितने डबल बेडरूम घर 4.5 साल के शासन के बाद दिए उसका जवाब तेलंगाना की जनता मांगती है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। जिलों का पुनर्गठन, एमएलए के तुष्टिकरण के लिए, जनता को अच्छा लगाने के लिए कर लिए, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, मगर जिले के पुनर्गठन के बाद सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टर ऑफिस बन जाए, डीडीओ ऑफिस बन जाए, तहसील डीएसपी ऑफिस बन जाए, नए न्यायालय बन जाए, नई इजनोरी की ऑफिस बन जाए, नए सर्कल का डेवलपमेंट हो जाए, इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का भर्ती हो जाए, एक भी जिला क्या बता सकते हो? एक भी जिला जिसमें सारे काम समाप्त हुए? बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार के पॉपुलिस्ट स्टेप लेने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को गांव तक पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। वो जिलों में ना तो पुराना काम चल रहा है, ना नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जनता की मुसीबत बढ़ी है। खम्मम में किसानों को उचित दाम की संघर्ष करते हुए हथकड़ी पहनाकर परेड किया गया। मैंने विगत 10 साल में ऐसा हादसा कहीं पर भी नहीं सुना है। आप उनको उचित दाम दे सकते थे, खैर अब जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश भर के किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम समाप्त कर दिया है। परसों ही देश की कैबिनेट ने 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने के लिए प्रस्ताव पारित कर रवि और खरीफ दोनों फसलों में किसानों को राहत देने का एक बहुत बड़ा निर्णय किया। सिरसिला जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ते हुए दलितों पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ वो तेलंगाना के दलित आज भी भूले नहीं। गरीब परिवारों के लिए
नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर के 50 करोड़ गरीबों के लिए, 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर 5 लाख तक का सभी बड़ी बीमारियों में खर्चा उठाने का एक बीड़ा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, तेलंगाना ने आयुष्मान भारत में ज्वाइन न होकर तेलंगाना के गरीबों को वो योजना से महरूम रखने का, उससे वंचित रखने का काम किया है, महरूम रखने का काम किया, और ये सरासर अन्याय है तेलंगाना के गरीबों के साथ। उनका अधिकार है भारत सरकार की योजना को, परंतु केवल और केवल योजना बीजेपी सरकार ने करी है, इसलिए उसका सहयोग न करना मैं मानता हूं कि ये बहुत राजनीति का इससे खराब उदाहरण हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देश भर में सभी राज्यों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। यहां 15% से ज्यादा किसान